गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ इन साइंस, चैप्टर नंबर 5, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। चैप्टर इज रनिंग। वी रेड दैट एडेप्टेशन इन प्लांट। ओके, ट्रेजिटरियल प्लांट। इन ट्रेजिटरियल प्लांट डेजर्ट, there is very less water than hills, in very cold climate how many plants are survive? They are evergreen trees. Okay, marshes, clay soil find in marshes area, plain has moderate climate, so many trees grow here, evergreen mango trees, guava tree, peepal tree and neem tree. Forest, they are thickly we find forest many plants, grassland, coastal area, a coastal region. Let's start with aquatic plant. Aquatic plants are three types. Aquatic plant are of three types. Some plants float freely while other are fixed and remain completely underwater. Okay. Number one, floating plants. Among the floating plants, the water hyacinth and water lettuces are found commonly. They have spongy bodies that are filled with air. This makes them light and enables them to stay afloat. लाइट बॉडी होती है इनकी और ये फ्लोट करते किस पे? वॉटर पे. उनकी बॉडी कैसी होती है? स्पंजी होती है. नेक्स्ट, फिक्स प्लांट. ठीक है, दीज प्लांट्स आर हैव रूट्स दैट गो डीप अंडर द वॉटर, अंडर मड ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स. द रूट फिक्स द प्लांट इन द प्ले इन वन प्लेस वेयर एज द लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फ्लोट. इनकी रूट जो होती है वो अंडर वाटर फिक्स होती है और जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं. सच प्लांट हैव स्पेशल एडेप्टेशन सच एज हॉलो एंड फ्लेक्सीबल स्टेम. उनकी स्टेम कैसी होती है? हॉलो, लाइट एंड फ्लेक्सीबल. दैट हेल्प द प्लांट्स रिमेन फ्लोट एंड ऑल्सो बेंड द वॉट बेंड विद द वॉटर ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर. द प्लांट्स आर दस नॉट डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग वॉटर currents. Okay. Number two, flat and broad leaves. उनकी leaves जो है वो flat and broad रहती हैं. That help the plant to get enough air and sunlight. Okay. Leaves have a waxy coating to keep them in waterproof. ठीक है, waxy coating होती है और कीप देम उन्हें वाटर प्रूफ रखती है. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव. लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स. जो लोटस और वाटर लिली है दीज दो बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट. स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव. लीव के कहाँ होता है? अपर सरफेस होता है. उनकी लीव्स कैसी होती हैं? वैक्सी कोटिंग कीप देम वाटर प्रूफ. उनकी जो होती है वैक्सी कोटिंग से होती है ताकि वो वाटर प्रूफ रह सके. लीव्स की शेप कैसी होती है? फ्लैट एंड ब्रॉड. ओके, नाउ अंडर वाटर प्लांट्स. अंडर वाटर कौन कौन से हैं? हाइड्रिला एंड वेल्सिनिया आर अंडरग्राउंड प्लांट्स. देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. जो पॉन्ड होता है उसके बॉटम में उनकी जो रूट्स रहती हैं वो फिक्स रहती हैं.
दे हैव थिन फ्लेक्सिबल स्टेम, उनकी स्टेम कैसी होती है, थिन एंड फ्लेक्सिबल, एंड ऑफर लिटिल रिस्टेंस टू वाटर करेंट्स, ओके वाटर करेंट से लिटिल रिस्टेंस रहता है उनका. द लीव्स ऑफ हाइड्रिला आर टिनी, जो हाइड्रिला की लीव्स रहती हैं वो बहुत ही टिनी छोटी रहती हैं. वेलेंसनरा रिया हैज नैरो रिबन लाइक लीव्स, इसकी लीव्स कैसी होती हैं कि वेलेंसीरिया की नैरो एंड रिबन लाइक. दे द लीव डू नॉट हैव एस्टोमेटा, इनकी लीव्स में स्टोमेटा नहीं रहता है. इंस्टीड द प्लांट्स ब्रीथ थ्रो द ओपनिंग इन द इन देयर स्टेम, स्टेम से ब्रेथ करते हैं. दीज प्लांट्स एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो ये अंडर वाटर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं. देखिए वेल्सिनेरिया, लोटस, वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ, हाइड्रिला. नाउ सम न्यू वर्ड्स, एडेप्टेशन, अ चेंज इन लिविंग थिंग अंडर ग्रोज टू बेटर सिचुएटेड टू इट्स एनवायरमेंट हैबिटेट, अ नेचुरल होम ऑफ अ लिविंग थिंग. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड. ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर बाय प्लांट्स थ्रो एस्टोमेटा. मॉडरेट क्लाइमेट, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. The deciduous plant, trees that shed their leaves in winter. Coniferous trees that bear cones instead of flowers. Okay, let's recall. Plants adapt the surrounding. जो plants होते हैं वो अपनी surrounding को adapt करते हैं. Plants growing on land are called terrestrial plant. Terrestrial plants grow in desert, hill, marshes area, plains, forest, grassland and coastal region. Evergreen trees do not shed their leaves through the years. पूरे ईयर उनकी लीव्स रहती हैं. Deciduous tree shed their leaves in winter, grow new leaves in spring. Mangrove trees grow in marshes, have breathing roots above the soil. Aquatic plants grow in water. Aquatic plants can be floating, fixed or underground plants. This exercise objective type, इसको आप लोग अपने से अब करिए, ठीक है. रीड द चैप्टर एंड डू दिस एक्सरसाइज ऑन, टिक द करेक्ट भी आप अपने से करिए एंड मैच द फॉलोइंग. ओके, टाइप्स ऑफ प्लांट, स्विमिंग अप में आपको अपने से इसको करना है एंड क्वेश्चन आंसर. सी द क्वेश्चन आंसर, राइट इन योर कॉपी. ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, व्हाट इज हैबिटेट, इस क्वेश्चन को मत उतारिएगा. Okay children, chapter number 5 has been completed. Complete your work. Good day.